बाद जो है हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। अस्सलामुअलैकुम, एक और वीडियो के साथ आ चुके। तो आज जो है हम जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, और मेरा तकरीबन पहली बार है। और वहाँ पर जो है आप जानते हैं वो फुटबॉल मैच होने वाला है सऊदी अरब वर्सेस पाकिस्तान, तो उस सिलसिले में हम जा रहे हैं। और फिलहाल तो हम जा रहे हैं स्टॉप बैसल मूवर की तरफ, और वहाँ पर भी देखेंगे कैसा फैसिलिटी है। और फिलहाल तो जाएंगे सदर की तरफ। फिलहाल ये लियारी के मनाजिर आप देखें, फिलहाल ये लियारी के मनाजिर। और इस वक्त जो है वक्त पर निकला जाए तो भाई हमें इसीलिए देखो ना ट्रैफिक जाम, ये भी बाकी लियारी का मनाजिर अभी तक लियारी नहीं। भाई हम इस वक्त पहुंच चुके हैं बैसल मूवर और सदर की तरफ। यहां से हमारे जो सामान वगैरह रख रहे हैं, और अभी हम जाएंगे सीट पे बैठेंगे और आपको व्यू बताएंगे। तकरीबन 5 बजने वाले हैं, 5 मिनट हैं, और हम सीट पे जाके बैठेंगे। और अमल भी यहां पर तैयार हो रहा है, अमल तो बेगा निशान में बेगा। भाई सिर्फ हम जाए हुजाम ही में 17 ये सीट पर बैठ चुके हैं, और तकरीबन ज़बरदस्त कम्फर्टेबल है। और ये स्क्रीन भी है, अब पता नहीं कब ऑन होगा तुम्हें। और ये यहाँ पर कप वगैरह भी होंगे, पर टेबल वगैरह जो है 5 बजने में 5 मिनट है, तो अभी काफ़ी टाइम है। तो अभी ये कुछ चीज़ वगैरह लेंगे, फिर आपको बताएंगे जब रवाना होगी। यहाँ से जाएगी सोरापुर, सोरापुर से हैदराबाद। तो अभी चलते हैं या थोड़ा वेट करते हैं कब तक ये रवाना होगी। थोड़ा टाइम हो गया है 5:15, और अभी स्टार्ट हो गया है। तो भाई अभी ये टाइम हो चुका है, और अभी हम पहुंच चुके हैं सोरापुर। सोरापुर के लिए जो है मेन स्टॉप जो पैसल मूवर का है, यहाँ से कुछ मुसाफिर को पिकअप करेंगे शायद, फिर यहाँ से फिर रवाना हो गया। शायद इनका स्टॉप होगा हैदराबाद। फिलहाल जो है हैदराबाद भाई ये अभी सोरापुर से, तो अभी तकरीबन अभी निकल चुके हैं सोरापुर से, 6:30 बज गए। और अब इंशाल्लाह अगला स्टॉप होगा हैदराबाद, फिर होगा सक्कर शायद, जो जो होगा हम उसको जो है अब इसी पे जो है हम आपको दिखाएंगे रिव्यू। तो ये है पहला टूल प्लाजा कराची टूल प्लाजा। तो भाई अभी हमें ये दिया गया है बॉक्स, वेलकम बॉक्स तरफ से। ये भाई अभी जो है फिलहाल जो है हमारा ये स्क्रीन भी चलने लगा है, और ये भी पड़ा हुआ है, और एक और बड़ी बात वाईफाई भी चल रहा है, और वाईफाई हमने कनेक्ट किया। और तकरीबन जो है भाई अभी जो है कोल्ड ड्रिंक भी मिल चुकी है हमें, अम्मल चार ये कोल्ड ड्रिंक भी मिल चुकी है। और तकरीबन हम अभी कोई भी सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे टॉम एंड जेरी देख रहे हो, टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, ये टॉम एंड जेरी बरन भाई ये सीन हो रहा है। और अभी अभी हम लोग ने स्टॉप लिया है तकरीबन 1.5 घंटे बाद, और यहाँ पर जो है अपना खाना लेके आए। अच्छा हुआ अपना खाना लेके आए, यहाँ पर अजीब सा होटल है, मोरो है जगह ना, मोरो है, मोरो है। तो यहाँ पर अभी हम लोग अपना जो खाना लेके आए ये देख सकते हैं, तो वो खा रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पर इस होटल का तो नहीं खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बिरयानी 350 और सालन जो है 400, और मैंने यहाँ से गर्म कराया उसके भी पैसे लिए भाई। तकरीबन सक्कर के करीब, अभी भी सफर लंबा है, अभी ब्रेक नहीं किया है, मतलब अभी पिकअप वगैरह दिए हैं जो दूसरे मुसाफिर थे, कम से कम तो नहीं सोते हैं भाई, अभी पूरे रात से सोना ही है, जो होगा बाद में। अभी हो गया 5 बजे सुबह के, जो है फ्री में जो है ये नाश्ता दिया गया है, आटा और चने और ये कुछ मीठा, और अभी खाते हैं। सही है भाई, अभी जो है हम तकरीबन रही यार खान की तरफ है, और चाय वगैरह में उन्होंने दिया, बस भी आ गई हमारी। और क्योंकि मुझे इसका पता नहीं, क्योंकि पहली बार है मेरा,
और तकरीबन जो है हमने यहाँ पर स्टे किया तकरीबन 20 मिनट यहाँ पर स्टे किया। तो उसको पता है कि हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पर है सऊदी अरब वर्सेस पाकिस्तान का मैच और हम मैच देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम आप अगले ब्लॉग ज़रूर देखें हमारा। सक्कर टू मुल्तान मोटर वे पर हम अभी फिर से चल पड़े हैं, तकरीबन 5:30 बज चुके हैं सुबह के। बड़ा अच्छा हो क्योंकि रात भर कुछ भी नहीं दिख रहा, तो अभी तकरीबन बहुत अच्छा एक व्यू आ रहा है, बागात ही बागात है। अभी जो है सिर्फ आम के दरख्त आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आम के दरख्त देखे। सिर्फ आम के दरख्त आ रहे हैं माशाल्लाह से, और बड़ा खूबसूरत मंजर है भाई यहाँ पर, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एक व्यू आ रहा है। मतलब तकरीबन पंजाब जो है बागा से भरा हुआ है। सवार भी फैसलाबाद फिक्सर इंटर स्टेज क्रॉस किया है, और तकरीबन आप मनाजे देखें फैसलाबाद के थोड़े से मनाजे जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये देखें, और ये इंडस्ट्रियल एरिया है फैसलाबाद से हम गुजर रहे हैं। फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं तकरीबन इस्लामाबाद रावलपिंडी से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर। लेकिन भाई बताता चलूँ, हमने ये शामी बर्गर लिया तकरीबन 290 का, और ये फैसल मुबर वाले जो है तकरीबन नाश्ता भी करवाया, जो रिव्यू वगैरह हमने सोचा था और देखा था वो बिल्कुल नहीं है ऐसा, सिर्फ अपना एक नाश्ता करवाया और कुछ चिप्स वगैरह दिए और अपना खाना। और यहाँ पर खुदा का खौफ देखें, इतना महंगा एक सादा बर्गर जो है 290, और हर चीज़ की जो 80 रुपए की और 300 का दे रहे हैं भाई, आद हो गई भाई। चलो ये तो लिहाज से फैसल मुबर रिजेक्ट है। अभी भी जो है 2:10 की भाई सीनरी तो अभी आए रास्ते के तरफ मनाजिर, आप देखें, अब देखना होता है ये देखें भाई। बहुत दूर है लेकिन बारिश हो रही है भाई। बारिश की वजह से वीडियो नहीं बना सका, और अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे, और हमारे साथ जो थे नज़ीर भाई उन्होंने हमें पिकअप वगैरह किया, जो है यहाँ पर हमें स्टे करवाए। तो बताता चलूँ, बारिश यहाँ पर बहुत गर्मी थी और हमारे आते ही यहाँ पर मौसम बड़ा अच्छा हुआ और बहुत तेज़ बारिश हुई। तो अभी यहाँ पर देखते क्या सीन बनता है, फ़िलहाल तो जो सीन बनेगा, क्योंकि बाद में जो हमें सुना है कि टिकट वगैरह भी है लेने हैं जो नज़ीर भाई ने ऑलरेडी अरेंज की है, तो वहाँ कहाँ से लेते हैं वो आपको बाद में दिखाते हैं। तो फ़िलहाल थोड़ा आराम करेंगे फिर चलेंगे। तो भाई हम फाइनली जो है पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, पर जो है सऊदी अरबिया की टीम आई हुई है। तो क्या मैं कराची से इस्लामाबाद पहली बार मेरा ये सफ़र है। कल मैच है और ऑल द बेस्ट भाई, और मेरे लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू बस। और ये पैसा क्या बात है भाई।